दोस्तों आप देख रहे हैं के गुरु चैनल। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि दोस्तों की जो है अभी तक जो है पवन सिंह जो काफी चुप थे कि चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये कंफर्म नहीं किया था, अब जो है कंफर्म कर दिया दोस्तों। दरअसल जो है चुनाव पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए जो है एक्स पे दोस्तों जो है उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, किसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने सीधा कहा दोस्तों कि मैं जो मैं अपने माँ से वादा किया था वो जो निभाऊंगा, और इसके लिए दोस्तों जो है आरा से नहीं होकर काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए जो है उन्होंने बिगुल फूंक दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं काराकाट में जो है बीजेपी के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो खुद उपेंद्र कुशवाहा जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और भी कई जो है वहाँ पर प्रत्याशी हैं, मगर ये जो फेस है खास करके जो है पवन सिंह, क्योंकि बीजेपी खेमे से आते थे, हो सकता है ये जो वोट काटेंगे उपेंद्र कुशवाहा का ही वोट काटेंगे। अब इसमें किसकी चाल है किसकी चाल नहीं ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मगर बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं पवन सिंह। अगर बात करें कि काराकाट से जो है कौन सी जाति का जो कितना वोट है काराकाट से, तो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, तो जो है आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे अधिक अगर बात करें दोस्तों तो कुर्मी और कोयरी वोटर लगभग 2.5 लाख जो है वहाँ पे हैं दोस्तों। 2.5 लाख जो है कोयरी और कुर्मी जो जाति से जो लोग आते हैं वो 2.5 लाख है। उसके बाद जो मुस्लिम मतदाता हैं दोस्तों 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता वहाँ से हैं। राजपूत वोटर भी जो है दोस्तों जो है कि वहाँ पर जो है 2.5 लाख राजपूत वोटर। वैश्य मतदाता दोस्तों लगभग जो है 2 लाख, और ब्राह्मण लगभग जो है 75,000 वहाँ से जो है वोटर है दोस्तों। भुयार जो है करीब 50,000 वोटर है दोस्तों, और दलित और दूसरी जाति का जो वोट है दोस्तों वो भी अच्छा खासा वहाँ पे जो है काराकाट में है दोस्तों। अभी तक तो जो है वहाँ पे खास करके कुशवाहा जो समाज से ज़्यादातर जो है वहाँ से एमपी बनते हुए हैं, अभी भी जो है वहाँ के एमपी जो है कुशवाहा समाज से ही है दोस्तों। अब ये जो सीट है दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से लड़ रहे हैं बीजेपी एनडीए गठबंधन की तरफ से, और वही दूसरी जो है बात करें तो वहाँ पर दोस्तों जो है CPIML के तरफ से दोस्तों राजा राम सिंह जो है वो चुनाव लड़ो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं। और भी दोस्तों वहाँ से AIM पार्टी भी जो है अपनी जो है प्रत्याशी उतार चुका है दोस्तों। अब वहाँ से निर्दलीय अगर पवन सिंह उठते तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई वहाँ पे हो सकती है, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो सकता है दोस्तों काफ़ी घातक हो सकता है दोस्तों। अब देखना आगे ये है कि किस लिए वहाँ से चुनाव लड़े, किसके आखिर किस कारण से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, या इसके कहने पर चुनाव ये कंफर्म नहीं हो पाया, और पवन सिंह ने सीधा कहा दिया कि वहाँ से जो है मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। ये वोटों का समीकरण था, और ये वहाँ से जो इतने प्रत्याशी जो मेन प्रत्याशी है ये लोग हैं दोस्तों। अब आपका क्या मानना दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है कि चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।